तो हमारी ये कोशिश रही है दिल्ली में कि हम एक ऐसी भीड़ की को बना पाए जिसमें गैर मुस्लिम हमारे साथ ना रहे तकबीर लगाए, ठीक है, और वो हमारी शर्तों पे खड़े हो हमारे साथ। अगर वो हमारी शर्तों में नहीं खड़े हैं तो मतलब वो हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी भीड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि उन्होंने 70 साल से किया है। अब वक्त ये है कि हम गैर मुस्लिमों को बोलें कि अगर हमदर्द हो तो हमारी शर्तों पर आगे खड़े हो, अगर हमारी शर्तों पर नहीं खड़े हो तो वो हमदर्द नहीं है हमारे। एक तो चीज़ ये है, दूसरी मैंने बिहार में देखा, मतलब बिहार का एग्जाम्पल दूंगा, बिहार में बहुत सारी रैलियाँ हो चुकी हैं, हर रोज़ एक दो बड़ी रैली होती है। आप वो कन्हैया वाली रैली देख लीजिए, 5 लाख लोग थे उसमें अररिया में। अब उसका मसला बस इतना सा है, ये मैं पहले भी शायद दर्ज कर चुका हूँ, अगर 5 लाख लोग हमारे पास हों ऑर्गेनाइज तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं, पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1-2 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर रोड पे कि उनको हटाने में 1 महीना लगे, ठीक है, नहीं जाए एयरफोर्स से असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, CA नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना, और वहाँ तो खैर कत्लेआम चल रहे हैं, 6-8 महीने पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू हो या मुसलमान, ठीक है। तो अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ रहे हैं, फौज के लिए और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो, और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है, वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत है।